हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव रीजन। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनोल। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज। बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इंटू वेपर स्टेट। सो वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बात हो रही है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल की। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है? यहाँ पे OH ग्रुप लगा है और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा है। ये हमारा क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हेयर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है? जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन है और जो OH का हाइड्रोजन है उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो इसमें क्या होती है हमारे पास? इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। सो इसमें हमारे पास क्या होती है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल की, तो पैरा नाइट्रोफिनोल में OH के विद ऑपोजिट साइड पे क्या लगा होता है? नाइट्रो ग्रुप। तो इसमें तो हमारे पास है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि OH एंड O2 क्या है? यहाँ पर H और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? काफी डिस्टेंस है। तो इसमें क्या होता है? जो दूसरे मॉलिक्यूल का OH है, जो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है, वो फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कैसे? OH यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, दूसरे यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल का इस साइड नाइट्रो ग्रुप आ गया और इस साइड हमारे पास OH ग्रुप आ गया। तो इसमें ये जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इसमें जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीचकार हुई है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हुई हमारी? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल है वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है। तो अगर ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंग होती है एज कंपेयर टू इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमारे पास क्या रीजन आएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनोल इट एनहेंस रिजल्टिंग इन हायर बॉइलिंग। तो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रो फिनोल. होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.